नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारे ने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली जा रहे किसानों पर ड्रोन और बुलेट से हमला हो रहा है, न कि किसान किसी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान 10 सालों से MSP और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और हरियाणा में बीते 10 सालों से राज कर रही भाजपा किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि 2020 के किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किसानों से किए गए MSP लागू करने के वायदे समेत अन्य वायदों को भी पूरा नहीं किया गया। लंबे इंतजार के बाद अब जब किसान दिल्ली जा रहे हैं तो उन पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं किसानों ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना और पानी उपलब्ध कराया था। उन्होंने कहा कि MSP और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2020 की तरह इस बार भी किसान संयम और शांति के साथ अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, बड़े दुख की बात है कि भाजपा सरकार के सेंटर में और स्टेट में, हरियाणा में कम से कम 10 साल पूरे होने को आए हैं और हमारे देश का और हमारे प्रदेश का किसान अपने आप को आज छला हुआ महसूस कर रहा है और पूरे इस 10 साल के सफर के दौरान उसने अपने आप को अपेक्षित भी पाया है। हमारे गृह मंत्री जी ने आज एक शब्द इस्तेमाल कर लिया, हमला, लेकिन सच ये है कि केंद्र सरकार की नीतियों ने अब तक अगर हमला करा है तो वह किसानों के अधिकारों पर, किसानों की आय पर, किसानों की जमीन पर, किसानी पर, उनके भविष्य के ऊपर। आज ऐसा क्या हंगामा बरप गया है कि सरकार ने किसान जो अपनी एक बात करने दिल्ली आ रहे थे उनके ऊपर इतना उग्र रूप धारण कर लिया है। आज अगर कोई हिंसा फैला रहा है तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि वो हमारी सरकार है। पानी, वाटर कैनन उनको हटाने के लिए नहीं मारा जा रहा, वाटर कैनन के अंदर मिर्चें डाली जा रही हैं। पुलिस की लाठियां मात्र उनको दिखाकर रोकने के लिए, प्रशासन की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए नहीं है, उसके ऊपर कांटीले तारों को लपेट कर इस तरह से करा जा रहा है कि किसी के ऊपर ये लाठी पड़ी तो उसकी आंख, उसकी हड्डी या उसका कुछ ना कुछ जान का भी नुकसान उसके अंदर हो सकता है। आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमला करने आ गए हैं। अपने अधिकारों की बात अपनी सरकार से करना, उससे बात करने के लिए चलना और उसके सामने इस तरह का प्रशासन का उग्र रूप पाना, तो हमला आज सरकार कर रही है किसानों पर कि किसान कर रहे हैं? शायद भाजपा ये समझ रही है कि एक बार फिर जो टोकनिज्म, सांकेतिकवाद की वो राजनीति करती है, इससे इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। हमारे किसान 10 साल से मांग कर रहे हैं MSP की, सरकार ने आज तक नहीं दी, आज तक बात नहीं हो पाई, आज तक तैयारी नहीं हो पाई। हमारे किसान 10 साल से इंतजार कर रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट का। स्वामीनाथन जी को सरकार जो है एक राष्ट्रीय जो है अवार्ड के साथ सम्मानित तो कर सकती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को किसी तरह का मान या सम्मान देने को तैयार नहीं है। आज मैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहूंगी कि आज किसान हैं, अपनी बात करने चले थे और सरकार ने एक अलग तरह की उग्रता दिखाई है। आज उनके ऊपर तकनीकीकरण का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस गिराए जा रहे हैं, कीले उनके रास्ते में गाड़ी जा रही हैं, आज उन्हें आतंकवादी की संख्या में खड़ा करा जा रहा है और आज कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि जो ये उग्रता है ये किसान लेकर आए हैं, किसान नहीं लेकर आए हैं, ये सरकार का रुख है। और आने वाले दिनों पे यही उग्रता कल हमारे नौजवानों और हमारे बच्चों पर भी होगी। कल जब वो सरकार से नौकरी का या उसकी बात करेंगे, कल यही उग्रता सरकार कर्मचारियों पर करेगी। जब वो अपनी OPS की बात करेंगे या अपने अधिकारों की बात करेंगे, कल यही उग्रता लेबर्स पे होगी। जब लेबर लॉ की बात होगी या मनरेगा की होगी, कल ये उग्रता हर उस इंसान पर होगी जो देश के अंदर अधिकार की, अपने हक की बात करेगा। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो जोर इनको रोकने पे लगाया है, इसका एक दिहाई जोर भी अगर वो इस मुद्दे को समझने और सुलझाने में लगाती तो ये नौबत ना आती। सरकार गलत प्रोपोगंडा कर किसानों को, किसानी को बदनाम ना करे। ये धरती का सीना चीर कर हमारा पेट पालते हैं। जब बाढ़ आई थी तो यही किसान थे जिन्होंने अपने ट्रैक्टरों पे मदद की जो थी ना, मदद रूट रुकने नहीं दी थी, टूटने नहीं दी थी, लंगर हर वक्त चलाए थे और बाढ़ के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर पानी और खाना घर घर तक पहुंचाया था। हमारी सरकार से गुजारिश है, कृपया कर आप देश के अंदर शांति की परिस्थिति बनाए रखें, इसे किसी भी तरह से बरगलाए ना। किसानों के साथ बात करनी है तो करिए और निपटाइए, मात्र बातों में इस बात को उलझा कर ना रखिए। और हमें पूरी उम्मीद है
कि हमारे किसान भाई जिस संयम के साथ, जिस शक्ति के साथ संघर्ष करते आए हैं, आज तक करते रहे हैं, आगे भी उसी संयम, उसी शांति का परिचय देते हुए वो अपनी बात पर अडिग रहेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से MSP का स्वामीनाथन रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।